मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह अपने चैनल वर्ल्ड लाइफलाइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों, अश्विनी कुमार पटेल जी जो काशी क्षेत्र ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका शुभ आगमन मरवाड़ी चौराहे के पास हुआ। उनका स्वागत वैभव मिष्ठान के ऑनर श्री केशव प्रसाद यादव जी ने, जो भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं, तथा जिला उपाध्यक्ष श्री उमेश विश्वकर्मा जी अंग वस्त्रम पहनाकर उनका स्वागत किया। इधर हो के इधर देखिए, इधर देखिए भैया, इधर देखिए। भैया नमस्कार। हेलो भैया, अपना परिचय देते हुए कुछ बताइए आप। मैं अश्विनी कुमार सिंह पटेल काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा, और आज हमारी जो है यहाँ बैठक थी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की, तो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया। और यह माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने एक तो माँ गंगा की सेवा के लिए, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ आया हूँ माँ गंगा की सेवा के लिए, और उसी भाव से उन्होंने जो बाबा विश्वनाथ को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिया, आज जो विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर विकसित हुआ, आज वो भव्य काशी दिव्य काशी के रूप में विकसित होकर के पूरा विश्व आज यहाँ दर्शन करने आ रहा है। और उसी तारतम्य में आज हम मतलब अपने हमारे ओबीसी मोर्चा के हमारे पदाधिकारी भाई केशव जी जी, मैं दुकान पे भी हूँ, बहुत दिनों से आप हम सबको बुला रहे थे, एक अच्छा सहयोग है कि हम सभी और अपने विनय जी, हमारे क्षेत्रीय मंत्री अंगद जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव के उमेश जी हैं, और अपने धर्मेंद्र जी हैं पूरे, मैं उपस्थित हूँ। और जो आपके केशव भाई की दुकान की पहचान है, काफ़ी दिनों से हमसे कहते थे कि मतलब भाई साहब एक थोड़ा समय अपना निकाल करके आइए, आज वो सौभाग्य हुआ दिन है मुझे, मैं भी बहुत इस बात से सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज की दुकान पर ये वैभव की जो दुकान है निश्चित रूप से वो अपने नाम से चिंतार्थ है, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ उन्होंने जो अपने यहाँ की लस्सी और जो रस मलाई और ये सब जो खिलाया है वो एक अद्वितीय है। मतलब बनारस आए कोई भी व्यक्ति और यहाँ का अगर लस्सी ना पिए और रसमलाई ना खाए तो कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है, इसलिए मैं अपने केशव भैया को बहुत बहुत इसके लिए बधाई शुभकामनाएं देते हुए, और जिस तरीके से उनका भाव है कि जो अपने पास है उसको बांटते रहना, और उसी का प्रतिफल है कि जो बांटते हैं उनको उन सबका आशीर्वाद आगे बढ़ा रहा है, इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें, बाबा विश्वनाथ आगे बढ़ाते रहें। मैं यही शुभकामनाएं देते हुए मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे केशव भैया आगे बढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी हैं भैया, जो है केशव जी मतलब वाराणसी के बहुत बहुत चर्चित मतलब भाजपा नेता हैं जी, और बरवाडी में तो इनका हृदय स्थली है जी जी, जिस तरह सबका हृदय धड़कता है, इस तरह का समोसा यहाँ का धड़कता है जी जी, और जो समोसा यहाँ का नहीं खाया वो मरवाड़ी में आकर कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं भूल ही गया था क्योंकि वास्तविक रूप से आपने रस मलाई और वो जो है यहाँ का अपना लस्सी और क्या वो मलाई कोफ्ता खिला करके हमको जो है वो जो अपने समोसे का जो भाव है वो तो भेज गया, लेकिन वो आपको बताने के लिए भूल गया था, शायद बनारस में और केशव जी की दुकान पर आकर के और अगर समोसा नहीं खाया तो एक यहाँ की एक सबसे जो हमको लगता है बनारस में केशव जी की दुकान का समोसा जितना साइज का है शायद हमें लगता है कि वो इतना बड़ा साइज तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो भैया रूप से वह उनकी डिमांड और यहाँ आकर के उस समोसे का भी जरूर लोगों को उसका जो है स्वाद लेना चाहिए। तो मिर्जापुर में बांटेंगे, मिर्जापुर में बांटेंगे, मिर्जापुर विंध्याचल से मिर्जापुर में ही है तो वहाँ बांटेंगे मतलब स्वाद इनका। हाँ बिल्कुल, पूरे 16 जिले हैं हमारे अंडर में, तो मैं मिर्जापुर प्रयाग वहाँ अमेठी तक सुल्तानपुर इधर जौनपुर गाजीपुर चंदौली ये पूरा जो त्रिसंगम है तीन जो है धर्मनगरियों का, चाहे बाबा विश्वनाथ हो चाहे माँ विंध्यवासिनी हो और धर्मनगरी प्रयागराज,
सबका संगम है यह हमारा क्षेत्र, और सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे इसी क्षेत्र से हैं, और इससे और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। तो केशव भैया जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ इनके स्वागत में क्या कहना चाहेंगे? स्वागत होते रहा लाभ हो हिंदी में, लेकिन लोकल में भी हो जाए तो हम इनका भैया अपने हृदय स्थली पे बहुत स्वागत कर रहे थे। बनारस के हृदय स्थली जो हम मड़ुआडी बनेले ही विनय भैया का भी योगदान हो, गर्वेंद्र जी को और हमारे माननीय अश्विनी जी को, तो मैं हमेशा हम बोलते रही ना कि अश्विनी भैया कब आए वाला हुआ, कब आए वाला हुआ। आज बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आए तो हमें लगता है हृदय स्थली में भी इनको टच होना था, इसी बहाने भाजपा संगठन को भी मजबूत करने का काम हमारे विनय जी करते रहते हैं डोर की तरह, एक से एक फूल लाते हैं, एक से एक सुगंध वाले, और उसको माता अपने भारत माता को चढ़ाने में हम अपना योगदान देते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। हृदय स्थली पे हमारे माननीय अश्विनी जी का बहुत सारा स्वागत है, यहाँ की सभी जनता की तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें।